गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन स्लम्स. प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन स्लम्स. तो अर्बन स्लम्स, व्हाट इज हियर द अर्बन स्लम्स? हियर द ए डर्टी कॉलोनी नियर बाय द सिटीज, नियर बाय द सिटी या इंक्लूड इन द सिटी. सिटीज में क्या होता है? देन हियर जो डर्टी नाले जो होते हैं पानी वाले, या बिटवीन द रेल रोड्स, जो रेलवे पटरी होती है उनके बीच में, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है? अनसेटल्ड जो कॉलोनीज होती है ना, बिना बसाई हुई, अपने आप जो बस जाती है, ठीक है. इन लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, उनके पास नो हेयर दे हैव द बेसिक फैसिलिटीज, दिस टाइप ऑफ द कॉलोनीज आर नोन एज द डर्टी कॉलोनीज या स्लम कॉलोनीज. स्लम कॉलोनीज और डर्टी कॉलोनीज. हेयर द व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन स्लम्स, की अर्बन स्लम्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं. अर्बन स्लम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर द व्हाट इज द अर्बन स्लम्स. हेयर द अर्बन स्लम्स दे लिव देयर लाइफ इन द लैक ऑफ फैसिलिटीज इन द पॉल्यूट रीजन, जो टोटली पॉल्यूट रीजन है वहां पे, ठीक है, और अवैध तरीके से रहते हैं. नॉट हेयर द लीगल अनलीगल दे लिव नियर बाई सिटीज इन द पॉल्यूट एनवायरमेंट. दिस टाइप ऑफ द सिटीज हेयर द प्रॉब्लम्स अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट. व्हाट वॉज द प्रॉब्लम इन दिस अर्बन सेटलमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर द रेजिडेंस इन अनहेल्थी एनवायरमेंट. द प्रॉब्लम, द मेन मेजर प्रॉब्लम हेयर द रेजिडेंस इन द अनहेल्थी एनवायरमेंट. दे सेटल इन द अनहेल्थी एनवायरमेंट बिकॉज दे हैव नो हेयर द इनकम दैट कि दे लिव इन द बेस्ट प्लेसेज, या अच्छी जगह पर रहने के लिए उनके पास क्या नहीं होते ना, दे लैक ऑफ मनी, सो दे सेटल इन दिस टाइप ऑफ द स्लम्स रीजन. क्लियर? लैक ऑफ रोड्स एंड दिस इन दिस स्लम्स रीजन हेयर द लैक ऑफ रोड्स. हेयर द जो छोटी गलियां होती है, ठीक है, दैट इज द स्ट्रीट. हेयर द शॉर्ट स्ट्रीट हेयर, नॉट हेयर द ब्रॉड रोड इन दिस. सो हेयर नॉट हेयर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड लैक ऑफ हेयर द पक्का रोड्स. हेयर द ओनली द कच्चे रोड्स, रो रोड्स फाउंड इन दिस कॉलोनीज. द मेजर प्रॉब्लम हेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो इन दिस कॉलोनीज. Deficiency of drinking water, light and the pure air. Here the deficiency of the drinking water, here the not pure water and the light here, proper light, जो सूर्य का प्रकाश है ना, the light of the sun is not proper. छोटी छोटी गलियां, street here the small end, here the not light and not here the pure air in these colonies. Risk of infection due to crowd. Here then the person here, one person here the suffering from the illness, then infection increase in these regions because here the crowd, ठीक है, crowd यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, तो अगर कोई बीमार हो जाए तो क्या होगा, then here the infection also spread rapidly in these regions. Risk of fire here, or totally here are the kacha houses, then here the risk of the fire in these dirty colonies. Lack of basic facilities like here the toilets. So lack of basic facilities in this region. Here the government also provide here the toilets, but here the ratio of the toilets according to population is very low. So here the basic facility like here the toilet is not available in these colonies. Lack of schools for education, and here the lack of schools for education. Here nearby the slums region, here the not here the education institutes, yeah, education institutes or schools in these regions. So the children of these the people, yeah, of these the people here, the children of these population not here the educated, then here they and their generation also should be in live or life in these slum regions. Here the major part, then we start here the opening schooling, then here the increase the life level of these colonies, but here the school problem, education problem found in these colonies. Risky work at low wages, they have no employment opportunities, and they have to risky work एट लो, यानी कि बहुत कम कीमत पर रिस्क भरा काम करने के लिए. रिस्क वाला जो, ठीक है ना, कि 10 फ्लोर 12 फ्लोर ऊपर से यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, पुताई कर रहे, लटक रहे हैं, ठीक ना, इतना बड़ा ऊपर से रिस्क वाला जो वर्क है ना, दे यूज हियर द रिस्क वर्क, जो स्टंट्स होते हैं सारे काम क्या कर रहे हैं, दिस स्लम्स पॉपुलेशन, ठीक है. रिस्क ऑफ वेरियस डिजीज फाउंड हियर द नॉट रोड हियर, देन हियर द नॉट हियर द प्रॉपर जो पानी की निकासी वाला काम होता है ना, नॉट हियर द
proper. Then here the disease also increase, like the dengue, haja, pilia type of the disease increase in this dirty colonies. looked upon as low by the society के जो लोग है ना वो क्या करते हैं looked कैसे देखते हैं ना hate के लिए ना एक तरह से नफरत की दृष्टि से इनको देखते हैं ना looked upon as low कि ये कैसे ना छोटे लोग है ना. तो also here the major problem for these colonies the problem of maintaining law and order here the increasing the crimes here the law yeah here the problem of maintaining law and order in these colonies because here the high crowd and here the no proper roads then here the maintain of the law and order is very difficult. All these are here the problems of the slum colonies. Problem of the slum colonies, they have to here live in these colonies. They have no options to increase their life level. And the government try to increase the life level of these colonies population and they want to settle another places and many other effort by the government but they are not succeed in a proper way. We discuss about the some solution of the problem of the slum colonies. The solution of the slums colonies like here the first providing house at the lowest rate by the government. The government provide the house for these slums regions in lower cost like here the in Ahmedabad and Kota. Ahmedabad Kota mein aisa kiya gaya theek hai. What here the they provide the houses at lower cost for these कॉलोनीज पर्सन्स ठीक है. उन्हें अच्छा लाइफ लेवल देने के लिए गवर्नमेंट ये भी एफर्ट कर रही है ठीक है. दिस इज द मोस्ट एफर्ट एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हियर द मेजर प्रॉब्लम इज द ड्रिंकिंग वाटर. जब पानी अच्छा नहीं मिल पाता देन हियर द इंक्रीज द डिजीज. तो गवर्नमेंट ट्राई टू एफर्ट कर पा रही है बट हियर द इन प्रॉपर वे द फ्री दे प्रोवाइड द फ्री वाटर लाइक विद क्या कर सकते हैं. तो वहाँ पे डायरेक्ट गवर्नमेंट पावर वाटर सप्लाई नहीं हो पर जो टैंकर से वहाँ पे पानी पहुँचाएं कहीं ना कहीं वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ एफर्ट टू फॉर प्रोवाइड देम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड एंड हियर द नो एम्प्लॉयमेंट देन दे नो परचेज एनी जिसे हम कह सकते हैं पौष्टिक तरीके से खाने के लिए वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं ठीक है. देन प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट देन also increase their life level. जब इन्हें रोजगार मिलेगा income होगी then here the life level is increase of this population. Opening school the most important part here the opening school the education is the most important to increase the life level of this population. तो here government provide here the education facility is the most important solution of these colonies. Free medical facilities provide in these colonies. यहाँ पे क्या ना जो disease ज़्यादा हो रही है तो government try to effort to increase here the medical facilities और इसे अच्छे तरीके से proper तरीके से करना चाहिए. So they solve the problem of disease by the government to provide free medical facility. Employment provide in the village. Maximum here the villagers migrate towards the cities for the employment. Then here the employment also provide in the village. Then here the not increase here in cities population. Then here not increase the dirty colonies in the cities. जब गांव में हम इन्हें क्या करेंगे employment provide करा देंगे तो वो migrate नहीं करेंगे city में नहीं आएंगे. और city में जब population increase नहीं होगा then here the origin of the dirty colonies. Next here the construction of broad roads for the population. Then here the transportation system also provide here and they increase the life level of these colonies. Arrangement of the garden the major problem here the environment and pollution. Then here the some land is safe for the garden. Then here they increase the plants and here solution of the environment and pollution. Provide loan by the government for self-employment. Then here that they start the self-business, then increase also their life level and they वो क्या करेंगे खुद का business करेंगे and then increase their life level. Family planning programs and government also provide
aware to them for the family planning programs. Then maintaining law and order. और गवर्नमेंट के द्वारा क्या एफर्ट किया जाए, मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन दीज कॉलोनीज, जिससे क्या हो सके, कंट्रोल ऑन द क्राइम्स इन द सिटीज. ओके, ऑल ओवर दीज आर द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द स्लम रीजन. देन द सम बिजनेसमैन, सम हियर द मिलेनियर्स एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड देम फैसिलिटी, देन इंक्रीज देयर लाइफ लेवल एंड द एंड ऑफ द स्लम्स इन द सिटीज, बट नॉट प्रॉपर वे दीज फैसिलिटी आर द प्रोवाइड फॉर द स्लम्स एंड नाउ द टाइम इज इन इंडिया ऑल्सो हेयर द स्लम्स रीजन्स आर इंक्रीज, द पॉपुलेशन ऑफ द स्लम रीजन्स ऑल्सो इंक्रीज.